धनतेरस की पूजन का जो समय है वो प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। धनतेरस के दिन कार्तिक महीने में पड़ने वाली सुंदर त्रयोदशी तिथि को जो धन्वंतरी की पूजन करेगा उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाए। पूजन का विधान बताते हुए स्वयं शास्त्र वर्णन करता है हमारे यहाँ धनतेरस के दिन की जो पूजन है उस धनतेरस के दिन की पूजन में अपने घर में इतनी भी आप लक्ष्मी की पूजन जब आप करें दीपावली की पूजन करें उसमें मुहूर्त देखिए मनाना। धनतेरस की पूजन करने में रूप चौदस की पूजन करने में पड़वा की पूजन करने में दूज की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं है। आपको प्रदोष काल शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में अंदर आनंद से अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोंछ लो और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर आनंद से आपके घर में जो पूजन का जगह है आनंद के साथ एक सुंदर चोक पूर लीजिए और चोक पूर कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरंग चौकी पाटा जो भी आप रख सकते हो उस पर रखकर एक सुंदर वस्त्र बिछा कर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक कंकु के रोली का एक स्वस्तिक बनाइए उसको पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए। रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का ना हो चांदी का कॉइन ना हो तो अपना जो कॉइन आता है एक का सिक्का दो का सिक्का जो भी कॉइन आता है वो रख दीजिए और रखकर उसको जो मोली आती है लच्छा बांधने वाला हाथ में बांधने का जो नाड़ा आता है मोली होती है लच्छा उससे उसको हल्दी लगाकर लपेट दीजिए। थाली में रखकर सुंदर आनंद के साथ माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए साथ दिए घी के लंबी बात एक दिया तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड पे मतलब आप जब पूजन करने बैठोगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा लक्ष्मी जी का वो उल्टा उस उल्टे हाथ की ओर एक तेल का दीप लगाकर लंबी बाती का और साथ दिए लंबी बाती के घी के आटे के दिए वो एक प्लेट में खाली में रख लीजिए। पूजन का सामान कंकु चावल रोली मोली हल्दी हल्दी की गांठ अमरबेल कमलगट्टा खड़ा धना गुड़ ये सब सामग्री रखकर कुछ भोग लगाने की सामग्री कुछ धूप बत्ती आदि इत्र आदि सामग्रियां रखकर पुष्प आदि रखकर कुछ क्वाइन तुमने रखा है सिक्का तुमने रखा है सातों दिए सीधे हाथ पर लक्ष्मी सातों दिए जो तुमने आटे के बनाए हैं उसमें लंबी बत्ती कर सीधे हाथ पर देना उल्टे हाथ पर तेल का दिया जलाकर पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है जल का छिट्टा देकर बड़े प्रेम के साथ वस्त्र समर्पित कर और रोली चंदन मोली हल्दी जो भी है मेहंदी आदि सब सामग्री समर्पित कर पांच कमरबेल के टुकड़े सात कमलगट्टा का पांच हल्दी की गठान ये सब अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर कुबेरेश्वर महादेव से विनती कर शिव की आराधना कर नारायण की आराधना कर माँ लक्ष्मी की आराधना कर दोनों हाथों से समर्पित कर कंकु रौली उस सिक्के के ऊपर धीरे धीरे कर डाल हल्दी धीरे धीरे कर उस पर डाल और जो सात दिए आप भोग लगाने के बाद प्रसाद रखने के बाद में फिर जब सात दिए जो तुमने थाली में लिए हैं प्लेट में लिए हैं उससे माता लक्ष्मी की आराधना कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर आरती करिए आरती रख दो पर आरती को लेना नहीं झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए माँ मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय करी है मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है माँ आप नारायण के साथ कुबेर के साथ रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी महाराज के साथ आप मेरे घर में पधारना मेरे घर शाम के समय पर एक दिया घर की दहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दे महाराज विष्णु पुराण का उपाय अगर ज्यादा तकलीफ है बहुत कष्ट है बहुत ज्यादा कष्ट के व्यापार चल ही नहीं रहा कर्जे में लतालूम हो गए यहां तक गति हो गई कि मरने तक की सोच लिया तो वो कार्तिक के महीने में उसका प्रयोग अवश्य कर सुख समृद्धि के लक्ष्मी वैभव के। धनतेरस के दिन कार्तिक महीने में पड़ने वाली सुंदर त्रयोदशी तिथि को जो धन्वंतरी की पूजन करेगा उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाए। कार्तिक महीने का एक नियम बना लो आप भी कोई सा भी एक नियम शाम के समय पर दिया लगाऊंगी मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे पीपल के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे वहां लगाने नहीं जा सकती तो अपने दरवाजे के बाहर लगाऊंगी तुलसी के क्यारे में लगाऊंगी ये भी नहीं कर सकती परिंडे पर दिया लगाऊंगी जहां पानी का मटका हो हंडा हो वहां लगा दूंगी ये भी नहीं कर सकती तो पूरे कार्तिक के महीने में दरवाजे पर मैं पानी छींटूंगी इतना तो बना सकते हो। दीपावली की रात्रि को 11:30 से 12:30 के बीच में पीपल अगर पास में हो तो पीपल आंवला पास में हो तो आंवला बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र तीन वृक्ष जो आपके पास में हो जो नजदीक में हो लगाना एक ही के नीचे यानी कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ लगाना एक ही वृक्ष के नीचे तीन दीप अलग अलग एक लक्ष्मी के लिए गणेश जी के लिए सरस्वती के लिए तीन दीप घी के सीधे घर
प्रवेश करो और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो साहब। एक रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां एक रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी में या तिजोरी में पटक दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कितना भी कर्जा होगा। माता लीक के प्रथम दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो आंवले के पेड़ के नीचे चौमुखी दिया चार बत्ती का लगाता है उसके घर में संपदा की कभी कमी नहीं होती महाराज। लक्ष्मी कभी कम नहीं होती, लक्ष्मी घटती ही नहीं।